Hello guys, welcome to Study with Neil. Today's our topic is one word substitutions. ये one word substitutions वाला topic बहुत सी exams में पूछा जाता है. आज इस topic को हम pictures के साथ याद करेंगे ताकि इस topic को हम कभी भूल ना पाए. और आज का अपना पहला word है इन्फेंटिसाइड, यानी कि मर्डरिंग एन इन्फेंट, किसी भी भ्रूण की हत्या माँ के पेट में कर देना, इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड. माँ के गर्भ में ही भ्रूण की हत्या करते हुए आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, ये होता है. नेक्स्ट वर्ड है मेट्रिसाइड, यानी कि द मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की हत्या करता है तो उसे बोलते हैं मातृ हत्या, मेट्रिसाइड, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज फेट्रिसाइड, यानी कि द मर्डर ऑफ वंस सिबलिंग्स, यानी कि अपने भाई भाई बहनों में से किसी की हत्या करना, ये होता है भ्रातृ हत्या. मेट्रिसाइड में मदर की हत्या, फेट्रिसाइड में अपने भाई बहनों में से किसी की हत्या, सिबलिंग्स की हत्या. नेक्स्ट वर्ड इज जर्मिसाइड, एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट माइट कैरी डिजीज, यानी कि बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने की दवा या एजेंट. रोगाणुनाशक, यानी कि रोगाणुओं को नाश करने की दवा, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को नाश करने की दवा. नेक्स्ट वर्ड आप सभी ने सुन रखा होगा सुसाइड, यानी कि आत्महत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, स्वयं को मारना होता है आत्महत्या, स्वयं की जानबूझकर हत्या करना, चाहे वो किसी भी वजह से हो, डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से या और कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो, ये होता है आत्महत्या. नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीपोटेंट, हैविंग अनलिमिटेड पावर, यानी कि सर्वशक्तिमान, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, अर्थात शक्ति हो, उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट एक सर्वशक्तिमान तो भगवान ही होते हैं, तो ओमनीपोटेंट हो जाएगा भगवान या गॉड. नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीप्रेजेंट, इसका मतलब होता है बीइंग एवरीवेयर एट वंस, यानी कि एक ही समय में सभी जगह व्याप्त रहना या सभी जगह उपस्थित रहना. अब इसका मत ओमनीप्रेजेंट का मतलब भी हो जाएगा भगवान, क्योंकि कोई भी इंसान तो एक ही समय में सभी जगह व्याप्त हो नहीं सकता, ठीक है, तो हो जाएगा सर्वव्यापी. नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट, वन हु ऑलवेज लुक्स द होपफुल व्यूज ऑफ लाइफ, यानी कि आशावादी, जो जिंदगी में पॉजिटिव सोचता हो, आशा रखता हो. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं हार और जीत के बीच में कितनी सारी डिस्टेंस है, फिर भी वो उसको पार कर ही लेता है, उड़कर दौड़कर किसी भी तरह से. नेक्स्ट वर्ड इज पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है. ऑप्टिमिस्ट में कोई इंसान सोचता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, और पेसिमिस्ट में सोचता है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये होता है निराशावादी, यानी कि जिंदगी में हमेशा निराश होना, यानी कि नेगेटिव सोचना कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, इस टाइप की बातें करना. नेक्स्ट वर्ड इज कैनिबल, यानी कि होता है नरभक्षी, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, मानव, इंसान का मांस खाने वाला होता है नरभक्षी. जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि दो राक्षस जैसे इंसान एक बच्चे को खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये होता है नरभक्षी, कैनिबल. नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवोरस, यानी कि रिलेटिंग टू फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो मांस खाते हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी, जैसे शेर, चीता और बहुत सारे जंगली जानवर जो मांस खाते हैं, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस. नेक्स्ट वर्ड इज हर्बीवोरस, फीडिंग ओनली ऑन प्लांट्स, वेगन, यानी कि शाकाहारी, जो पौधों की पत्तियां, फल फूल खाते हैं, उन्हें बोलते हैं शाकाहारी. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोट, बकरी, तो बकरी हो जाएगी हर्बीवोर, और जो पत्तियां खाते हैं जैसे बकरी वाली प्रजाति हो जाएगी हर्बीवोरस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीवोरस, फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो फूल फल और हरी सब्जियां भी खाते हैं और साथ में मांस भी खाते हैं, ठीक है. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इंसान बने हुए हैं और जो मांस भी खाते हैं और फल फूल भी खाते हैं, और उनके बीच की कड़ी जो जोड़ रखी है इस पिक्चर के अंदर. नेक्स्ट वर्ड इज पोस्टमार्टम, एन एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन कोज ऑफ डेथ, यानी कि किस वजह से मृत्यु हुई है, ये जानने की जो प्रोसेस होती है वो होता है पोस्टमार्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं शव परीक्षा. इसका एक और वर्ड है सिनोनिम में ऑटोप्सी, यानी कि वो भी यही होता है, एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन कोज ऑफ डेथ. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पोस्ट्यूमस, अकरिंग और कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ पर्सन डेथ, यानी कि किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद में कोई भी घटना होना या भी क्या कोई काम होना. ओके, जैसे पोस्ट्यूमस चाइल्ड, किसी भी पिता की मृत्यु के बाद उसके बच्चे का जन्म होना, पोस्ट्यूमस बुक, किसी भी राइटर की मृत्यु के बाद उसकी बुक पब्लिश होना. ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.